हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास UKG का सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स प्राइमर, ये बुक आप लोग को दिख रही है वीडियो में, फिगर में, इसको आप लोग ओपन कर लेंगे। वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ये बुक है मैथ की, सी लिखा हुआ यहाँ पे, मैथमेटिक्स प्राइमर, ठीक है बच्चों। तो इसको ओपन करिए, कवर चढ़ा लीजिएगा, इस पर नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल, ये सब फिलअप कर लीजिएगा आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट वीडियो में बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हो गया था, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट भी हो गया था, ये सब कंप्लीट हो गए थे, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था, टॉप एंड बॉटम, नियर एंड फार, मोर एंड लेस भी आपका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में आज पढ़ाया जाएगा आप लोगों को लेसर एंड ग्रेटर, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा? लेसर एंड ग्रेटर, ठीक है। तो आप लोग चलिए रेडी हो जाइए, बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 11 दिख रहा आप लोगों को, पेज नंबर 11 यहाँ पे, ये पेज नंबर 11 आपको ये पढ़ाया जाएगा, लेसर एंड ग्रेटर, ठीक है। लेसर एंड ग्रेटर, लेसर मीन्स क्या होता है? लेसर मीन्स छोटा होता है, एंड और ग्रेटर मीन्स अधिक से अधिक बड़ा, मतलब जितना अधिक से अधिक, यहाँ कैपेसिटी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है, कैपेसिटी मतलब किस उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। तो आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसका लेसर मीन्स होता है कम, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी। ये जो आपके ये बर्तन दिए हुए हैं, इसमें ये बाल्टी है, ये कप है, ये केतली है, इसमें अब इसमें क्षमता के हिसाब से आप लोगों को कि किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, ये चीज़ एडजस्ट करना है। तो लेसर एंड ग्रेटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे आज, तो चलिए ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को दिया गया ये चीज़, वीडियो में दिख रहा है क्लियर, ये एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। ये बताइए, ये कप है, ये केतली है चाय वाली, आप, ठीक है। तो बच्चों लेसर एंड ग्रेटर कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। इसमें देखिए ये कप है, ये केतली है, इसमें से बड़ी कौन सी है, इसमें सबसे ज़्यादा चाय किस में आएगा? केतली में आएगा, क्लियर है एकदम। ये कप है, ये केतली है, तो बड़ा कौन सा है? यही बड़ा है ना, ग्रेटर यही है, तो चाय इसमें ज़्यादा आएगा और इसमें कम आएगा, तो ग्रेटर ये हो गया, ये लेसर हो गया, ठीक है। ऐसी ये बाल्टी है बच्चों, ये मग्गा है, तो पानी किस में ज़्यादा आएगा? बाल्टी में आएगा, मग्गे में कम आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? ऐसे ही ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, कलर द वेसल ग्रेटर विथ रेड एंड लेसर विथ ग्रीन, मतलब वेसल मीन्स क्या होता है? वेसल्स मीन्स क्या होता है? वेसल मीन्स केतली, पतीला, वेसल मीन्स क्या होता है? वेसल मीन्स पतीला होता है, मतलब पतीले जो होते हैं आपके बर्तन, उसको कहते हैं वेसल्स। ग्रेटर विथ रेड, जो बड़ा रहेगा उसको रेड में कलर करना आप लोगों को, और जो छोटा है उसको किस कलर में करेंगे? ग्रीन, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, इसमें रेड क्या रहेगा? रेड रहेगा आपका, ये रेड रहेगा, RED रेड, और ग्रीन कौन सा रहेगा? GREEN ग्रीन, इसको रेड कलर में करेंगे, इसको ग्रीन कलर में करेंगे, इसको रेड कलर में करेंगे, इसको ग्रीन कलर में करेंगे, इसको रेड कलर में करेंगे, इसको ग्रीन कलर में करेंगे, इसको रेड कलर में करेंगे, इसको ग्रीन, ये HW है आप लोगों का, HW आज का, इसको आप लोगों को कंप्लीट कर लेना। ये समझ में आ गया लेसर एंड ग्रेटर, कौन सी
चीज़ में ज़्यादा चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ में कम चीज़ें आएंगी। जैसे ये क्या चीज़ है? मग। एक तरीके से इसको मग कहेंगे। और ये गिलास, ठीक है, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। ये बाल्टी बड़ी है, इसमें ज़्यादा आएगा, इस मग्गे में कम आएगा। ये लीटर है माप करने वाला, इसमें ज़्यादा आएगा, ये इसमें कम आएगा। इसमें ये मटके में ज़्यादा पानी आएगा, इस मटके में छोटा है कम पानी आएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन में दिया हुआ, कलर द वेसल ग्रेटर विथ रेड एंड लेसर विथ ग्रीन। मतलब जो बड़ा है उसको रेड कलर में करिए, जो छोटा उसको ग्रीन कलर में करिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया चैप्टर, तो ये HW हो गया आप लोगों का। इसको आप लोग घर पे इसको कंप्लीट कर लीजिए, कलर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। ओके, तो इसमें ये मीनिंग देख लीजिएगा। लेसर मीन्स कम, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, वेसल मीन्स पतीला, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आइए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? ये पूरा है। ऑड वन आउट। ऑड मीन्स क्या होता है? ऑड मीन्स अजीब, विचित्र। जो इस फिगरों में, जैसे एग्जांपल आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें से आपको विचित्र क्या लग रहा है? इसमें मान लीजिए ये बैग है, ठीक है, ये लंच बॉक्स है, ये बुक है, ये पेंसिल है। तो बैग में ही सब चीज़ रहता ना, तो ये टेडी बियर थोड़ी ना रहता बैग में, है कि रहता है? नहीं रहता ना, तो ये अजीब है ना, तो इसको सर्किल कर दीजिए। इसी तरीके से अभी ये सब करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग पढ़िए। ऑड वन आउट, मतलब जो एक चीज़ विचित्र है उसको सर्किल करिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में भी यही दिया गया, लुक एट द गिवेन पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर इज वन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब इसमें जो आप लोग के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें एक जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप अपने, मतलब इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब मैच नहीं खा रहा है। वी हैव पुट ए सर्किल अराउंड द ऑड ऑब्जेक्ट, तो उसको उस ऑड विचित्र चीज को आप लोग सर्किल कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप आ जाइए इसमें, देखिए नाउ सर्किल द ऑड इन वन आउट। नाउ मतलब आपको इसमें सर्किल करना, जो चीज़ इसमें विचित्र लग रही हो, समझिएगा आप लोग। जैसे ये क्या है, ये बर्गर है, ये फुटबॉल है, ये बिस्किट है, ये लॉलीपॉप है, ये आइसक्रीम है। तो इसमें सब खाने वाली चीज़ें हैं, क्या नहीं खा सकते हैं आप? ये नहीं, फुटबॉल नहीं खा सकते हैं। इसको क्या करेंगे? सर्किल करेंगे, गोला करेंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। ओके, समझ गए बच्चे। अब इसमें जैसे एप्पल है, ठीक है, ये पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबेज, ठीक है। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, पपाया, अनार, पोमोग्रेनेट, इसको क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। इसको मैंगो, इसमें सबसे विचित्र क्या है? ये सब फ्रूट है ना, मैंगो, अनार, पपाया, एप्पल, ये क्या विचित्र है इसमें? ये सब्जी है, वेजिटेबल। तो ये इसको सर्किल करेंगे तो ये अलग है उससे, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से आ जाइए आप लोग। अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट में, ये देखिए बटरफ्लाई, तितलियां हैं सब, ये भी तितली। इसमें अजीब क्या है? ओ ये, हाँ ये चीज को सर्किल करेंगे। हाँ, पर ये सब तो चुने, ये सब चीज एक मैच कर रहा ना। हाँ। ये सब चीजें जैसे मान लीजिए ये मैच कर रहे हैं, तितलियां हैं। हाँ। ये मैच कर रहे हैं, ये भी तितली है, ये भी तितली है, ये भी तितली है, ये भी तितली है, इसमें अजीब क्या चीज है? जाहिर सी बात है बैलून है, ये तो इसको सर्किल कर देंगे, ठीक है। तो ये अजीब है। हाँ, तो ये अजीब है, ये अजीब नहीं है, ये तितली है, चारों तितली है ना। हाँ। और ये बैलून है। हाँ। तो इसमें से ये भी तितली, ये भी तितली, ये भी तितली, ये भी तितली, ये बैलून है, तो इनके बीच में बैलून आ गया ना। हाँ। तो बैलून को हटा दीजिए, सर्किल कर दीजिए, ठीक है। हाँ। जैसे इसमें देखिए हिरन, डॉग, बर्ड, कंगारू, ये भी डॉग,
तो इसमें अजीब क्या है, ये सब चलने वाले जानवर है, ये उड़ने वाला जानवर है इनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको सर्किल कर दिया आप लोग, ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको, ये सिंपल चीज़ है एकदम, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में आगे आ जाइए, रिवीजन एक्टिविटी रिवीजन करेंगे हम लोग। ये चैप्टर देख लीजिए, पेज नंबर 13 दिख रहा आप लोगों को, पेज नंबर 13 यहाँ कॉर्नर पे, पेज नंबर 13 खोलिए, रिवीजन एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, पिक्चर को देखें और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़ाया जा रहा है, और नहीं समझ में आया तो बड़ों का हेल्प ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये वीडियो में देख के हमको बताइए इसमें क्या सर बताए हैं। आप लोग ध्यान देंगे घर पे, मेहनत से पढ़ेंगे, सब चीज़ लर्न करेंगे, जो मीनिंगें बताई जा रही हैं उसको नोट करवा लेंगे कॉपी में, कहीं दिक्कत हो रही है नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ओके। तो अब आ जाइए रिवीजन एक्टिविटी में, लुक द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आप लोगों को आंसर देना है पिक्चर के हिसाब से, पुट ए राइट टिक मार्क ऑन द पिक्चर, और उस पर फिर आप लोगों को यहाँ गोला बना हुआ है ये, इस पर टिक करना है जो चीज़ सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ए व्हिच डस्टबिन इज ग्रेटर इन कैपेसिटी, कौन सा डस्टबिन बड़ा है इसमें दोनों में, विच ये वाला, ठीक है, विच डस्टबिन इज ग्रेटर इन कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, किसमें ज़्यादा कूड़ा आएगा, इसमें जाहिर सी बात है इसमें आएगा, तो ये हो गया, गुड कर दिया आप, कैपेसिटी मीन्स क्षमता होता है, सी ए पी ए सी आई टी वाई कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, ठीक है, इसको नोट करवा लीजिएगा मीनिंग, सी ए पी ए सी आई टी वाई कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो ठीक आगे बढ़ते हैं, फिर बी में आते हैं, विच चाइल्ड इज नियर द लेक, लेक मीन्स क्या होता है, लेक मीन्स झील, झील, लेक को क्या कहते हैं, झील कहते हैं, एल ए के ई, लेक, लेक मीन्स झील, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, ये जो चीज़ नहीं पता हो रहेगा उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, एल ए के ई, लेक, लेक मीन्स झील, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो अपने से बड़ों को बुला के नोट करवा लीजिए, देखिए यहाँ पे है एल ए के ई, लेक, लेक मीन्स, लेक मीन्स झील, ठीक है। तो फिर आगे बढ़िए, या यहाँ साइड में जगह दिया गया यहीं पे नोट कर लीजिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, लेक मीन्स झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाइए, विच चाइल्ड इज नियर ए द लेक, कौन सा बच्चा झील के एकदम नज़दीक है, कौन सा बच्चा नज़दीक है, ये दिख रहा ना, ये झील है, यहाँ ये बच्चा है तो इसको गुड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर सी, विच एनिमल इज द हैवियर, कौन सा जानवर बड़ा है, इसमें खोजिए जानवर कहाँ पे है, कोई जानवर दिख रहा है इसमें, नहीं बाबा जी, डॉग, एक कैट है एक डॉग है, तो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, ये बड़ा है, हाँ, तो जब ये जान गए छोटे से बच्चे तो आप लोग तो जान ही जाएंगे, ठीक है। तो इस पे टिक कर दिए, ये बड़ा है, तो चलिए आ जाइए डी पे, विच बोट इज शॉर्टर, विच बोट, कौन सा बोट, नाव, बोट मीन्स क्या होता है, नाव, बोट कौन सा छोटा है, ये वाला, हाँ गुड गुड, ये बोट छोटा है, तो इस पे गुड कर देंगे, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये छोटा पूछ रहा ना, जैसे इसमें देखिए, विच बोट इज शॉर्टर, कौन सा बोट छोटा है, कौन सा बोट छोटा है, ये, तो इस पर गुड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट ई पे, विच स्वीपिंग थिंग्स इज लॉन्गर, मतलब झाड़ू कौन सा लंबा है लगाने वाला, ये वाला, गुड, आप तो सब जानते हैं, और भी बच्चे सब देख रहे हैं वो भी जान जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आ जाइए एफ पर, विच बैलून इज हाईएस्ट, कौन सा बैलून सबसे ऊंचा है, ये,
हाँ गुड गुड गुड, ये ब्लू कलर। तो ये हो गया आपका बैलून वाला हो गया। फिर आ जाइए ये जीप पे। विच बाइक इज नियर द हाउस? बाइक, बाइक मीन्स मोटरसाइकिल। नियर द हाउस, नियर मीन्स नज़दीक, हाउस मीन्स क्या होता है घर। तो कौन सी बाइक नज़दीक है घर के? कौन सी बाइक नज़दीक है? ये वाली। गुड, तो ये वाली बाइक नज़दीक है। तो चलिए यच पे आ जाइए। विच वेजिटेबल्स आर आउटसाइड द बास्केट? आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, इधर उधर गिरे हुए जो होते हैं। तो विच वेजिटेबल, कौन सी सब्जियाँ, किस टोकरी की सब्जियाँ गिरी हुई हैं इधर उधर? कौन सी टोकरी दिख रहा? टोकरी, ये वाली टोकरी की सब्जी गिरी हुई है। गुड, ये टिक लगा दीजिए आप। ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का। पिक्चर देख के आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना था, ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया। विच डस्टबिन इज ग्रेटर इन कैपेसिटी? कैपेसिटी मीन क्षमता, किसमें ज़्यादा आएगा? तो इसमें जाएगा, तो इस पर टिक कर दीजिए। विच चाइल्ड इज नियर द लेक? मतलब लेक मीन्स झील होता है, लेक ए लेक। तो कौन सा बच्चा नज़दीक है? ये है, तो इस पर आपने गुड कर दिया। विच एनिमल्स इज द हैवियर? कौन सा जानवर बड़ा इसमें? ये देखिए, एक कैट है, एक डॉग है। डॉग जाहिर सी बात है बड़ा होता है, तो इस पर आपने गुड कर दिया। विच बोट इज शॉर्टर? कौन सा बोट छोटा है? ये छोटा है, तो इस पर आपने गुड कर दिया। विच स्वीपिंग थिंग्स इज लॉन्गर? कौन सा झाड़ू लगाने वाला बड़ा है? ये बड़ा है, तो इस पर आपने कर दिया। विच बैलून इज हाइएस्ट? कौन सा बैलून सबसे ऊपर है यहाँ पे? ये, इस पर गुड कर दिया। विच बाइक इज नियर द हाउस? कौन सी बाइक हाउस के, घर के नज़दीक है? ये, इस पर आपने कर दिया। विच वेजिटेबल्स आर आउटसाइड द बास्केट? कौन से वेजिटेबल बास्केट से गिरी हुई हैं, आउटसाइड हैं? तो ये इसमें आपने गुड कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? मेहनत से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत से पढ़िए। और जो भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ मन से एकदम, जितने देर पढ़िए, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, जितना देर पढ़िए मेहनत से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, ये नहीं मोबाइल मिल गया पढ़ रहे हैं तो गेम खेलना शुरू कर दीजिए बीच में, कोई गार्जियन ना रहे आपके पास। ऐसे ये सब शिकायत नहीं आनी चाहिए, फ़ोन से गार्जियन इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कोई और पढ़ाई से संबंधित कोई और सुझाव आप देना चाह रहे हैं, जैसे मेथड क्या उसमें किया जाए, तो उससे क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, आप विद्यालय पे सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में आके अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई कंप्लेन हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो जो भी मानक सरकार के द्वारा बताए गए हैं, आप उसमें जैसे उससे मास्क लगा के, कंप्लीट मास्क लगा के आइए, ये सब करके आप कंप्लीट स्कूल पे आके कोई भी समस्या हो आप नोट करवा सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? बच्चों को फोकस करके पढ़ाया जा रहा है बुक पे। इससे पूछा भी गया कुछ गार्जियन से, तो उन्होंने कहा नहीं मेथड ठीक है। अगर कोई दिक्कत किसी भी गार्जियन को, पढ़ाई से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, ऑनलाइन पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, कोई सुझाव है आपके दिमाग में, तो आप विद्यालय स्कूल पे आके सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में मुलाकात करके आप बता सकते हैं। ठीक है, फेस टू फेस। और दूसरी चीज़, जो बच्चे ये वर्क दिए जा रहे हैं इसको कंप्लीट करके आप लोग फ़ोटो लेके फिर व्हाट्सएप पे भेजिए। जिस व्हाट्सएप के पे आप लोगों का वीडियो जा रहा है पढ़ने वाला, उसको आप तुरंत भेजिए, फिर रिटर्न करिए। किसी बच्चों का नहीं आओ, ये सब ध्यान दीजिए, ये बोला नहीं जा रहा है, इसको गंभीरता से लीजिए। स्कूल खुलेगा तो पिटाई भी होगी, ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है कि व्हाट्सएप में रहेगा, कौन से बच्चे भेज रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं भेज रहे हैं, कौन से बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। मीनिंग नोट कर लर्न कर डालिए, सब कंप्लीट कर डालिए, ये सब ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़ाई पे एकदम विशेष ध्यान दीजिए लॉकडाउन में। तो अब नेक्स्ट आ जाइए, आज इतना पढ़ाया गया आप लोगों को, लेसर एंड ग्रेटर समझ में आ गया होगा, आउट एंड आउट ये भी समझ में आ गया होगा, रिवीजन एक्टिविटी ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए नंबर नेम, पहली चीज़ तो ये आप लोग, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को हम, लेकिन आप लोग एक तरीके से हल्का फुल्का आप लोगों को हम समझा रहे हैं, थोड़ा इसको आप लोग घर पे ये सब लर्न कर डालिएगा। जैसे ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू, टी एच आर डब्ल ई थ्री, एफ ओ यू आर फोर, एफ आई वी फाइव, एस आई एक्स सिक्स, एस ई वी एन सेवन, ई आई जी एस टी एट, एन आई एन ई नाइन, टी एन ई टेन, टेन तक इसकी मीनिंग लर्न कर डालिए। ठीक है,
वो जैसे वन आपको ये देखिए काउंट द ऑब्जेक्ट, इसको वन है तो यहाँ क्या भरेंगे, वन भरेंगे। इसको अभी कंप्लीट नहीं करना, ये मीनिंग क्यों लर्न करिए, एच डब्ल्यू है आप लोगों का, एच डब्ल्यू ठीक है, इसको लर्न करना है। ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू, टी एच आर डबल ई थ्री, एफ ओ यू आर फोर, एफ आई वी फाइव, एस आई एक्स सिक्स, एस ई वी एन सेवन, ई आई जी एच टी एट, एन आई एन ई नाइन, टी एन ई टेन। इसको थोड़ा आप लोग गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे पेंसिल से आप लोग गाढ़ा कर दीजिएगा। ये देखिए हम पेन से चला रहे हैं केवल आप लोग को देखने के लिए, लेकिन आप लोग पेंसिल भी इस पर चलाइएगा, इसको गाढ़ा करके इसको लर्न कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको लर्न करके अपने गार्जियन को सुनाइए, उनसे बोलिए कि हम लोग को एच डब्ल्यू मिला था और ये हमको लर्न हो गया, इससे हमको सुन लीजिए। और ये फिर जब स्कूल खुलेगा तब फिर सुना जाएगा, इसलिए खूब टाइटली इसको लर्न करिए। और इसको फिर ये सब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को, बोर हो जाएंगे आप लोग फ़ोन पे, तो इसलिए आज इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, फालतू घूमिएगा नहीं इधर उधर, वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करिए। वीडियो पहुँच रहे हैं एक से दो दिन पर, जैसे आज पहुँच रहा है, फिर इसको आज और कल पढ़ाई करिए, फिर परसों में वीडियो पहुँचेगा। इतना ज़्यादा आप लोगों के आँखों पे लोड ना पड़े, इसके नाते बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं भेजे जा रहे हैं। एक वीडियो कम से कम दो दिन, उसको दो तीन बार चार बार रिवाइज करिए, लर्न करिए, कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में वीडियो पहुँचेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा आप लोगों को। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए ध्यान से। थैंक यू।